अस्सलाम वालेकुम, ग्रेट फोर, होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे वी आर गोना स्टार्टिंग योर मैथ्स प्लान 2021। आई एम योर मैथ्स टीचर, ठीक है? तो आप लोग अपनी बुक्स निकाल लें तो ज़्यादा बेटर है, और पेंसिल भी पकड़ लें, ठीक है? पेज नंबर 4 है सबसे पहले आपके मैथ्स प्लान में। पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नंबर नेम्स। नंबर्स आपको दिए हुए, आप लोगों ने उनके क्या लिखने हैं? नेम्स लिखने हैं। तो ये नंबर है, पहले आप इसको काउंट कर लें, वंस, टेंस, हंड्रेड, 10,000 एंड 10,000, ऐसा ही है ना? तो 10,000 का क्या मतलब है कि 20 क्या है? 1,000। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 20,000, सेम एज इट इज, 80,000, 14,000 एंड 57,000, ठीक है? फिर है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नंबर प्लेसिंग द कॉमा करेक्टली। कि आपको एक सेंटेंस में नंबर दिया हुआ है, आपने उसको नंबर में लिखना है, और नंबर में लिखने के बाद आपने उसको क्या करना है? कॉमा करेक्ट जगह पर लगाना है। तो 81,647 इसको लिख लिया। कॉमा, मैं आपको बता दूं कि 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, ठीक है? जितने भी आपने कॉमास लगाने हो, जितना भी बड़ा नंबर हो, आपने हर 3 लास्ट से शुरू करना है, और हर 3 डिजिट के बाद आप लोगों ने कॉमास लगाते जाना है, ठीक है? नेक्स्ट इज 19,025। अब 19,100 की कोई बात नहीं हुई, तो 0 एंड 25, और कॉमा आ जाएगा 3 डिजिट के बाद। 70,116, तो 3 डिजिट के बाद कॉमा आ जाएगा, ठीक है? पेज नंबर 5 है, राइट द वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। किसकी वैल्यू आपने लिखनी है? जो सर्कल हुआ है डिजिट, 0 सर्कल हुआ है तो कौन से नंबर पे? वंस, टेंस एंड 100 पे। तो 0, 100 और 0, क्योंकि 0 100 हो 0 टेंस हो 0 1000 हो 0 रहेगा तो 0 ही। नेक्स्ट वन इज 2 सर्कल है तो 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000, तो ये क्या बनेगा? 20,000 और 20,000, ऐसे। 0 सेकेंड प्लेस पे है तो 1s and 10s, 0 tens और 0, भी मैंने आपको बताया ना, 0 किसी भी प्लेस पे हो 0 क्या रहेगा? 0। 1s फर्स्ट पे है तो 1s unit और 1s लिख लें और 1, ठीक है? सेकेंड लास्ट इज 6 सर्कल है, 6 का प्लेस कौन सा है? थर्ड, 1s, 10s and 100, तो 600 और 600। 4 है 1000 वाली जगह पे, तो हम इसको लिखेंगे 4000 और 4000। पेज नंबर 12 पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4, कॉपी एंड सब्ट्रैक्ट देन चेक। आपने इनको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप लोगों ने चेक भी करना है कि आपने जो सब्ट्रैक्शन की है वो ठीक है या नहीं, ठीक है? अब है 9 minus 7 2 8 minus 4 4 3 plus 2 3 minus 2 1 6 minus 4 2। अब 4 minus 9 नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे? 1 कैरी लेंगे 7 से 1 कैरी लिया तो 14 बन जाएगा, और यहाँ पे 6 रह जाएगा। 14 में से 9 माइनस किए तो 5, 6 एज इट इज। अब इसको चेक करना है, तो जो आपके पास आंसर आया है ना, आंसर को आपने क्या करना है? ऊपर वाले में प्लस कर देना, और आपके पास फिर क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। तो करते हैं इसको प्लस, पहले ऊपर आंसर लिखा, नीचे ये लिखा, अब इन दोनों को प्लस करके देखते हैं कि ऊपर वाला नंबर हमारे पास आ रहा है या नहीं। तो 2 plus 7 9 4 plus 4 8 1 plus 2 3 2 plus 4 6 5 plus 9 4 and 6 plus 1 14 and 6 plus 1 1 carry 6 plus 1 7। तो same as it is वैल्यू आ गई ना, तो आपका इसका मतलब है कि आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, कैरी लेंगे लेकिन 0 है, या फिर इसको कैरी यहां से देंगे, ये भी 0 है, तो अब यहां से कैरी हम लोग स्टार्ट करेंगे 5 से, ठीक है? 5 से कैरी लिया यहां पर 10 बन गया, यहां से कैरी लिए यहां पर 10 बन गया, यहां से कैरी लिए यहां पे, ठीक है? 13 में से आपने माइनस किए 5 तो 8 बचेगा, 9 में से 7 माइनस किए तो 2, 9 में से 6 माइनस किए तो 3, यहां पे 4 रह गया, 4 में से 7 माइनस तो नहीं हो सकते, फिर यहां से कैरी लेना है लेकिन यहां पे 0 है, तो फिर 1 से कैरी लेंगे, 1 से कैरी लिया यहां, यहां से कैरी लिया यहां, 14 में से 7 माइनस किए 7, 9 में से 8 माइनस किए 1, और इधर ऑलरेडी 0 रह गया था, ठीक है? आपका आंसर आएगा 1732। अब इसको भी चेक करना है, तो आप लोग क्या करेंगे? 1732 8 में 87675 प्लस कर देंगे। प्लस करना सबको आता है ना, ये आप लोगों ने खुद से चेक करना है, अब ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी, ठीक है? आता है ना आप लोगों को प्लस करना? इन दोनों को प्लस करके आप लोगों ने देख लेना है कि ऊपर वाला आंसर आ रहा है या नहीं। लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों ने माइनस भी खुद करना है और चेक भी खुद करना है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 13 पे, वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम में है कि आपको एक सिचुएशन दी हुई है कि एक फैक्ट्री बैग्स बनाती है, मंडे वाले दिन बैग्स बनाती है 6,4,750, इतने बैग्स बनाती है, और ट्यूसडे को बनाती है 5,1,060, ठीक है?
तो आप लोगों ने टोटल बैग्स बताने हैं कि इन दोनों डेज में टोटल बैग्स कितने बने हैं। तो दोनों वैल्यूज को प्लस कर लें, 0+0 0, 5+6 11, 1 नीचे 1 कैरी, 7+1 8, 4+1 5, 6+5 11। तो टोटल बैग्स कितने बनेंगे, 115 810। ठीक है, अब इलेक्शंस की बात हो रही है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। मिस्टर आबिद गोट्स वोट्स, उन्होंने कितने, मिस्टर आबिद ने कितने वोट्स लिए, 158986। ठीक है, मिसेस कमाल ने कितने वोट्स लिए, 156720। ठीक है, तो अब आपने बताना है कि मिस्टर आबिद ने कितने वोट्स ज्यादा लिए हैं उनसे, तो हम इसमें माइनस करेंगे। अगर टोटल वोट्स पूछते तो हम लोग प्लस करते, लेकिन ज्यादा वोट्स पूछे हैं तो हम लोग ज्यादा वोट्स वाले में से कम वोट्स को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने कितने वोट्स ज्यादा लिए। 6-0 6, 8-2 6, 9-7 2, 8-6 2, 5-5 0, 1-1 0। नेक्स्ट वन इज, एक लाइब्रेरी है वहां पे उर्दू की बुक्स हैं 108625, इंग्लिश की बुक्स हैं 46918। ठीक है, टोटल बुक्स आपने बतानी है, तो टोटल बुक्स बतानी है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 5+8 13, 3 नीचे 1 कैरी, 2+1 3 1 4, 6+9 15, 1 कैरी, 8+6 14 1 15, 1 कैरी, 4+1 5 और 1। तो टोटल बुक्स कितनी है, 155543। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात हो रही है एक शॉपकीपर की अर्निंग की। ठीक है, कि वो एक साल में कितना कमाता है, अर्निंग ऑफ वन ईयर, एक साल की उसकी कमाई कितनी है, 170920, एक्सपेंडिचर्स ऑफ वन ईयर, अब उसके अखराजात कितने हैं, 129486, सेविंग्स ऑफ वन ईयर, अब एक्सपेंडिचर्स निकल जाए तो पीछे जो है उसकी सेविंग्स ही है ना, तो आपने बतानी कि सेविंग्स कितनी है, तो आपने इसको माइनस करना है। जीरो में से सिक्स माइनस नहीं हो सकते, वन कैरी लेंगे, 2 से 1 कैरी लिया तो 10 बन जाएगा, 10 में से 6 माइनस किए तो 4। ठीक है, उसके बाद 2 में से आप लोगों ने पहले 1 कैरी ले लिया तो इधर पीछे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब 1 में से तो 8 माइनस नहीं हो सकता, तो आप क्या करेंगे, दोबारा से कैरी लेंगे 9 से, 9 से 1 कैरी लिया तो 11 बन जाएगा, 11 में से 8 माइनस किए तो 3, इधर पीछे 8 रह जाएगा, 8 में से 4 माइनस किए तो 4। 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, 7 से 1 कैरी लेंगे, 10 में से 9 माइनस किए 1, 6 में से 2 माइनस किए तो 4 एंड 1 में से 1 माइनस किए तो 0। नेक्स्ट इज फाइंड द डिफरेंस, अब डिफरेंस आप लोगों ने फाइंड करना है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट में और लार्जेस्ट 4 डिजिट में। ठीक है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट कौन सा है, 1 एंड 5 0। ठीक है, और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है 9999। 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, 1 कैरी लेंगे, इन सब में से कैरी नहीं ले सकते, यहां से कैरी होगा, होता 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 यहां पर कैरी आएगा, 10 में से 9 माइनस किए 1, 9 में से 9 माइनस किए 0, 9 में से 9 माइनस किए 0, 9 में से 9 माइनस किए 0, यहां पे 9 था तो यहां पे भी 9, तो डिफरेंस इनका कितना आएगा, 90001। ठीक है, अब एक बंदे ने कोई चीज परचेज की है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका वर्ड प्रॉब्लम का, बाइंग प्राइस इसकी क्या है, 956780, लॉस उसको कितना हुआ है, 120000। सेलिंग प्राइस कि उसने बेचा कितने में, अगर उसको लॉस आपको उन्होंने बता दिया ना कि उसको इतना लॉस हुआ है, तो अब आपने बताना है कि उसने कितने में बेचा है जो उसको इतना लॉस हुआ है, तो लॉस को माइनस कर देंगे ना अगर उसकी बाइंग प्राइस में से, तो आपको पता लग जाएगा कि उसने चीज कितने में बेची है। 0 में से 0 माइनस किया 0, 8 में से 0 माइनस किया 8, 7 में से 0 माइनस किए 7, 6 में से 0 माइनस किए 6, 5 में से 2 माइनस किए तो 3, 9 में से 1 माइनस किए तो 8। तो उसने जो चीज खरीदी थी ना 956780 में, वो उसने बेची कितनी में, 836780 में, इसीलिए उसको लॉस हुआ है 120000 का। ठीक है, पेज नंबर 15 पे आ जाए, कॉपी एंड मल्टीप्लाई। अब ये तो वही क्वेश्चंस कर सकता है जिसको टेबल आते होंगे, तो आप लोगों को टेबल याद करने हैं, लाजमी छुट्टियों में टेबल याद कीजिएगा, और कुछ बच्चों को तो टेबल आते भी हैं। अच्छा, फर्स्ट वन इज 115 and 6, सिंपली आपने 6 को बारी बारी तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना, 6 5 30, 0 3 ऊपर कैरी, 6 1 6 and 3 9, 6 1 6, 5 6 9 and 5, 5 9 45, 5 नीचे 4 ऊपर, 5 6 30 and 4 34, 4 3 ऊपर, 5 5 25 and 3 28। नेक्स्ट इज 9 8 72, 2 7 ऊपर, 9 0 0 and 7 as it is, 9 7 63। नेक्स्ट आ जाए
264 को आपने मल्टीप्लाई करना है 18 से। अब दो नंबर आगे हैं तो पहले आप लोगों ने एक नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख देना है सबसे, और नीचे वाली लाइन में फिर आपने दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख देना है सबसे। 8 4 32, 2 नीचे 3 कैरी, 8 6 48 and 3 51, 1 5 कैरी, 8 2 16 and 5 21। फर्स्ट वाले डिजिट के नीचे क्रॉस, फिर 1 4 4, 1 6 6 and 1 2 2, इन सबको प्लस कर लेने, 2 एज इट इज, ठीक है। 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 2 4। नेक्स्ट आ जाए 573 को 16 से करना है, 6 3 18 1 कैरी, 6 7 42 and 1 43, 3 नीचे 4 कैरी, 6 5 30 and 4 34, 1 3 3, 1 7 7, 1 5 5, 8 as it is, 3 plus 3 6, 4 plus 7 11, 1 कैरी, 5 plus 3 9, 8 and 1 9। लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से करना है, ठीक है। होप सो आप सब लोगों को आता होगा, 2 का टेबल पढ़ना है जस्ट, ठीक है, कर लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स मेकिंग कंप्लीट स्टेटमेंट, ठीक है। एक बुक जो है ना स्टिकर्स की, वो है 78 की, ठीक है। आपने बताना है कि 5 बुक्स कितने की आएंगे, तो 78 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5 8 40, 0 नीचे 4 कैरी, 5 7 35 and 4 39, तो कितने की आएंगी 5 बुक्स ऐसे स्टिकर्स की, 390 की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ बार्स की बात हो रही है, ठीक है। बार की कॉस्ट, एक बार की कॉस्ट है 49, ऐसे 6 बार्स आपने बतानी है कितने की आएंगे, तो हम क्या करेंगे 49 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 9 54, 4 नीचे 5 ऊपर कैरी, 6 4 24 and 5 29, तो 6 बार्स कितने की आएंगे 294 की। थर्ड वन में है मैंगोज, एक बास्केट में मैंगोज है 145, तो 32 बास्केट्स में कितने मैंगोज आएंगे, तो इसको 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 4 8 and 1 9, 2 1 2, 3 5 15, 1 कैरी, 3 4 12 and 1 13, 1 कैरी, 3 1 3 and 1 4, प्लस करेंगे 0 एज इट इज, 9 प्लस 5 14, 1 कैरी, 3 प्लस 2 5 and 1 6 and 4 as it is, तो टोटल 32 बास्केट्स में कितने मैंगोज आएंगे 4640। नेक्स्ट क्वेश्चन में है चॉक स्टिक्स इन वन बॉक्स, चॉक वाले डिब्बे में, एक डिब्बे में कितनी चॉक हैं, चॉक की स्टिक्स हैं 48 हैं, तो आप लोगों ने बताना है 26 बॉक्सेस में कितनी स्टिक्स होंगी चॉक की, तो 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, पहले 6 को दोनों से कर लेंगे फिर 2 को, 6 8 48, 8 नीचे 4 कैरी, 6 4 24 and 4 28, अगेन 2 को करेंगे, 2 8 16, 6 नीचे 1 कैरी, 2 4 8 and 1 9, अब प्लस कर ले 8 as it is, 8 and 6 14, 1 कैरी, 9 2 9 and 2 11, और 1 जो कैरी दिया वाला 12, तो कितनी स्टिक्स होंगी 26 बॉक्सेस में, 1 2 48 चौक की स्टिक्स होंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, सबको पता है ना 60 मिनट्स होते हैं, अब आपने बताना है कि 17 घंटों में कितने मिनट्स होते हैं, तो 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, पहले 7 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 को, 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 7 6 42, ठीक है, 1 को 0 से किया 0, 1 को 6 से किया तो 6, प्लस करें 0 एज इट इज 2 और 0 एज इट इज 4 and 6 10, तो 17 घंटों में कितने मिनट्स होंगे, 1020 मिनट होंगे। नेक्स्ट वन इज, एक बॉक्स का वेट है 22 kg, आप लोगों ने टोटल वेट बताना है 25 बॉक्सेस का, तो 25 बॉक्सेस का वेट आप कैसे बनाएंगे, 22 को 25 से मल्टीप्लाई करके, पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, 0 1 कैरी, 5 2 10, एंड जो है नीचे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, यहां पे कैरी नहीं लिखा हुआ, कैरी आप लोग डाल लें, ठीक है। फिर है 2 2 4 and 2 2 4, प्लस कर लें 0 एज इट इज, 4 1 5 and 4 1 5, तो टोटल वेट कितना होगा 25 बॉक्सेस का, 550 kg, ठीक है। लास्ट वन इज अ कैन ऑफ ऑयल कॉस्ट, एक ऑयल का कैन कितने का है, 60 रुपीज एंड 50 पैसा, 4 ऐसे कैंस की आपने कॉस्ट बतानी है, कीमत बतानी है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 0 0, 4 5 20, 0 नीचे और 2 ऊपर क्या आ जाएगा इसका कैरी, इसका भी कैरी डाल लें आप लोग यहाँ पे ताकि आप लोग को पता चल जाए, तो 2 एज इट इज नीचे आ जाएगा और 4
सिक्स का क्या होता है 24, तो चार जो ऑयल के कैन है वो कितने के आएंगे 242 के। ठीक है, आज तक का इतना ही काम है। होप सो आप सबको समझ आ गई होगी, जिसको नहीं समझ में आई वो वीडियो को रिपीट करके देख लें, ठीक है। और जुबानी करने की कोशिश कीजिएगा, प्लस के क्वेश्चन, माइनस के क्वेश्चन, मल्टीप्लाई के क्वेश्चन, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरन, अल्लाह हाफिज़।